गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज इमोशनल ईएमएफ। इन इमोशनल ईएमएफ वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन बी ए कॉस थीटा। एज वी नो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन बी ए कॉस थीटा। प्रीवियस जो वीडियो है उस प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि ये बी के चेंज करने से फ्लक्स कैसे चेंज करता। ये जस्ट प्रीवियस ईयर ये सॉरी प्रीवियस वीडियो में इसको मैं बता दिया हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा उसको बता दूँ कि प्रीवियस वीडियो में क्या था। जैसे देखिए लेंज लॉ आप पढ़े, लेंज लॉ में भी आपने देखा कि जब मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है। तो फ्लक्स बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैग्नेट को जैसे एन पोल को हम किसी कॉइल के पास लाते हैं तो उस कॉइल के पास क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। फिर कॉइल से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज और मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज दोनों के कारण क्या हुआ, फ्लक्स का चेंजिंग हुआ। और फ्लक्स के चेंजिंग के कारण क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, फ्लक्स चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। अब देखिए उसके बाद अब बी को देख लिया हम लोगों ने, ए पर देखते हैं। अब यहाँ क्या है, मैं उस वीडियो में बता दिया हूँ कि एरिया के चेंज करने पर भी देखिए यहाँ पर इस लिखा हुआ है फाई एम क्या होगा, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। तो एरिया यदि चेंज करेगा तो फ्लक्स भी चेंज करेगा। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग देखेंगे कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय चेंजिंग एरिया। तो ये आपका मोशनल ईएमएफ कह सकते हैं, बाय चेंजिंग एरिया। ये आप इसको दे सकते कह सकते हैं बाय चेंजिंग एरिया। अब यहाँ देखिए हम एक मैग्नेटिक फील्ड लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस किया हुआ है। क्रॉस का मतलब आप जानते हैं इनवार्ड है। तो मैं बता दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म तो है लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा है, इनवार्ड है। उसके बाद आप देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल ले गया। देखो रेक्टेंगुलर शेप का जो कॉइल है उसमें आपको पी एस एस आर एंड आर क्यू ये सब जो है फिक्स है। मूवेबल कौन है, तो पी क्यू मूवेबल है। तो पी क्यू मूवेबल है, मैं यहाँ पी क्यू को मैं माना हूँ कि ये पी क्यू आपका क्या है, एल है। ये पी क्यू एल है, यहाँ से यहाँ मैं यहाँ दिखा दिया पी क्यू एल अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन एस पी क्यू आर एक्स है जो डिक्रीजिंग मोड में है। ये भी वेलोसिटी से जब अंदर जा रहा है इनसाइड द ये कॉइल, तो अब क्या होगा, इसलिए मैं यहाँ दे दिया कि डिक्रीजिंग। यहाँ ये एक्स है तो एक्स क्या होगा, यह धीरे धीरे अभी एक्स यहाँ है, फिर कुछ देर के बाद एक्स हो सकता है कि एक्स यहाँ पर आ जाए। देखिए अब एक्स जो है वह घट गया है ना। अब एक्स में सपोज कीजिए ये इसको हम लोग डी एक्स कहते हैं, ये डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये डी एक्स चेंज हो गया। अब इसी डी एक्स चेंज के कारण आपका फ्लक्स चेंज होगा। तो मैं इसी में बताया था भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मैं बता दिया। और टुवर्ड्स द आर्म आर एस यहाँ मैं दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अभी बता रहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम इक्वल्स बी ए कॉस थीटा होता है। बी के बारे में पता है, मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया और कॉस थीटा में थीटा जो है वह क्या है आपका, वह थीटा है ओरिएंटेशन, है ओरिएंटेशन। और ये थीटा
ऑरिएंटेशन है दैट इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ हमें कॉस थीटा के बारे में देंगे। इस कंडीशन में, इस केस में यहाँ थीटा क्या होगा? थीटा जो होगा वह जीरो होगा। क्यों थीटा जीरो होगा? क्योंकि देखिए ये इनवर्ड है। इसको आप देखिए ऐसे, मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ। देखिए दो पेन लिया और दो पेन को दिखाते हैं, दोनों दो कलर का पेन है। देखिए तो एक आपको ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ब्लू कलर का पेन मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनसाइड है। और ये यदि आपका आर्म है, ये रेक्टेंगुलर शेप का क्वाइल है, ये आपका ब्लू, ये वाइट बोर्ड जो है, वाइट बोर्ड इसका प्लेन है, इस क्वाइल का प्लेन है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ये भी आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों देखिए अब यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए ये ऐसे, तो दोनों का डायरेक्शन एक है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन एक आपको दिखा रहा हूँ, तो दोनों का डायरेक्शन एक है, दोनों पैरेलल है, इसलिए यहाँ थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया। अब यहाँ पर हम देते हैं, अब मैं सिर्फ फाई एम लूँगा, फाई एम इक्वल्स होगा बी ए कॉस जीरो, दैट इज बी ए हो गया। ये फाई एम आपको बी ए हो गया। अब क्या मैं अभी देखा कि ये जो है यहाँ अंदर आएगा, पी क्यू क्या है, मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से, तो अब डी टी टाइम में, ये टाइम डी टी में ये क्या किया है, इनसाइड गया, तो डी टी टाइम में ये चेंज हुआ। तो यहाँ पर हमको बी ए जो है, ए हमको क्या होगा, तो देखिए ए को हम क्या लिखेंगे, एल डी एक्स, है ना। ए अभी हमारा क्या हो गया, एल तो यहाँ है ही, ये देखिए एल और डी एक्स, एल और डी, ये यहाँ एल और एल में ये डी एक्स हो गया। देखिए यहाँ आर ये जो है थोड़ा सा लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा लिया, ये आप जानते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, डी एक्स का मतलब है कि बहुत थोड़ा सा, नहीं तो एल का वैल्यू चेंज कर जाता, इसलिए मैं छोटा सा ये लिया हूँ। तो डी एक्स बाई ये डी एक्स हो गया, एल डी एक्स। अब यहाँ पर ये एरिया में चेंजिंग, दैट इज इसको हम लोग कह सकते हैं डी ए बटे डी टी भी कह सकते हैं, तो डी एक्स बटे डी टी हो गया, है ना। तो एरिया का चेंजिंग ये हो गया। अब यहाँ पर इसको देखिए, अब ये यहाँ पर एरिया हम देखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे डी फाई एम बाई डी टी, डी फाई एम बाई डी टी, ये क्या होगा, देखिए डी वाई डी टी बी एल बी एल एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो डी फाई एम बाई डी टी इक्वल्स डी वाई डी टी बी एल एक्स, एक्स के बारे में मैं बताया, एक्स घट रहा है इसलिए यहाँ निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा, मैं पहले बता दिया कि एक्स घट रहा है ना, एक्स सिंस एक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग, एक्स डिक्रीजिंग हो गया, तो एक्स डिक्रीजिंग होगा तो इसमें साइन क्या होगा इसका, दैट इज निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निगेटिव साइन नहीं देके यहाँ मैं दे दिया हूँ। अब ये क्या हो गया, दैट इज डी फाई एम बाई डी टी इक्वल्स यहाँ पर माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी, देखिए है ना, इसी को ये डायरेक्ट लिए थे इसलिए डी फाई एम बाई डी टी, तो यहाँ मैं कर दिया, यहाँ कर दिया, ये आपको पहले से पता है। तो ये डी एक्स बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये क्या हो, माइनस बी एल भी हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या जानते हैं, ई इक्वल्स माइनस डी फाई एम बाई डी टी ई होगा, इसलिए अब देखिए ई हमको देना है, इसके बदले ई देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ई, दैट इम्प्लाइज माइनस ई इक्वल्स माइनस बी एल वी। अब ई दोनों कट जाएगा,
फाइनली हमको क्या होगा, E इक्वल्स हो गया बी एल वी, देखिए ये हो गया। तो इंड्यूस्ड ये E क्या है, E यहाँ पर मैं पहले बता दूँ, E यहाँ क्या हुआ, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF, E इक्वल्स हो गया इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। ये E इक्वल्स यहाँ दे देते हैं और क्लियर हो, इंड्यूस्ड EMF। अब देखिए हमको जब इंड्यूस्ड EMF मिल गया, अब हमको इंड्यूस्ड करंट चाहिए। अब हम ये मान के चलें कि ये जो है पी क्यू का रेसिस्टेंस जो है वह आर है ना। यहाँ हम ये मान के चलें ये जो है आर रेसिस्टेंस ऑफ पी क्यू, और बाकी का रेसिस्टेंस जो है दैट इज वेरी लेस, ये हम मान के चल सकते हैं। तो यहाँ दूसरे का इतना कम है कि यह हमारा प्रोमिनेंट आर ही होगा। अब देखिए यहाँ जब प्रोमिनेंट आर हमारे पास आ गया, तो अब देखिए यहाँ क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इस आर के कारण क्या होगा, अब सब में है ये, फाइनली प्रोमिनेंट आर है तो आर ही हम लेंगे। तो देखिए इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट ये आप जानते हैं, इंड्यूस्ड करंट इक्वल्स क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, क्लियर है। अब यहां देखिए इंड्यूस्ड, इसको आई यदि कहें तो आई इक्वल्स ये हो गया बी एल वी, तो बी एल वी अपॉन आर, इसको इक्वेशन वन मान लें, I इक्वल्स हो गया बी एल वी अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पर ये जो मूव कर रहा है पी क्यू, ये कंडक्टर है, अब जिसका रेसिस्टेंस R है इस पर फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स हमको देखना है। तो देखिए फोर्स ऑन आर्म पी क्यू, फोर्स ऑन आर्म पी क्यू, तो फोर्स ऑन आर्म पी क्यू का हम क्या जानते थे पहले, क्या था कि बल बराबर बिल, बल क्या हुआ फोर्स, फोर्स इक्वल्स बी आई एल मैक्सिमम, और यहां हम लिखेंगे बी आई एल है ना, बी आई एल साइन, आई एल एंड बी के बीच साइन, हम सपोज करो यहां फाई ले लेते हैं आई एल, जो कि ये फाई जो होगा क्या होगा, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी एंड करंट एलिमेंट आई एल, ठीक। अब इस दोनों के बारे में देखें, करंट एलिमेंट आई एल दोनों के बीच एंगल। अब देखिए यहाँ हमको जब यहाँ करंट पी क्यू से निकालना होगा तो हम किसका उपयोग करेंगे, देखिए तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें चाहिए जो वह है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बदले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ हमको यूज करना होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन हमको लेना होगा तब, ठीक है, करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करना होगा। देखिए करंट निकालने के बाद हम फिर इसको फोर्स का निकालेंगे। तो अब देखिए करंट हमको निकालना है, तो करंट के लिए हमको ये यूज करना होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या है, देखिए ये पहले लेफ्ट को हम लोग स्ट्रेच करते थे, यहाँ राइट को स्ट्रेच करेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तब ये क्या देगा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा। तो अब देखिए ये तो हमको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसे है, अब मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या है, देखिए ये कंडक्टर पी क्यू जो है वह इधर जा रहा है, तो ये हमारा थंब जो है उसको बता रहा है। अब देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो पी से क्यू की ओर होगा, करंट का डायरेक्शन पी से क्यू की ओर होगा, तो करंट एलिमेंट हमारा
अब क्लियर हो गया कि करंट एलिमेंट हमारा क्या होगा। देखिए करंट एलिमेंट आई एल, अब देखिए ये तो हमको मिल गया। अब देखिए करंट एलिमेंट और इसके बीच बी के बीच, करंट एलिमेंट एंड बी के बीच अब एंगल क्या हुआ, ये इस तरह से प्लेन पर है, वाइट बोर्ड के प्लेन पर है ये, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है इनवर्ड है, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और इसलिए यहाँ पर हमको होगा फोर्स ऑन आर्म पी क्यू, फोर्स ऑन आर्म पी क्यू एफ इक्वल्स बी आई एल, ठीक है बी आई एल हो गया। अब देखिए यहाँ पर आई का हम यदि यहाँ देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से आई से निकाल, आई का वैल्यू जब रखते हैं तो क्या हो गया बी एल ये हो गया। अब आई का यहाँ पर हम देंगे तो आई क्या है बी एल बी अपॉन आर हो गया। फाइनली आपके पास क्या होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर, ये हो गया एफ इक्वल्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर। ये देखिए ए ये बन गया, इससे पहले आई आपको ये आया था, तो देखिए इसको इक्वेशन सेकंड हम लोग मान लें। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन अब देखिए फोर्स का क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन के लिए फिर हमको यही यूज करना होगा। तो देखिए फोर्स का ये क्या होता है, ये आपको फील्ड बताता है, ये करंट बताता है, तो ये फोर्स को बता देगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम फील्ड तो हमेशा ऐसे रहता है, करंट का पता चलता, फोर्स किधर लगेगा तो देखिए इधर लगेगा, ये फोर्स जो है फोर्स का डायरेक्शन आपको राइट साइड होगा, ये देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया एफ, एफ का डायरेक्शन ये होगा, और फिर बैलेंस होता है, ठीक है बैलेंस होता है। तो अब देखिए ये फोर्स आपको यहाँ मिल गया, अब फोर्स मिल गया, अब यहाँ पर जो हमको पावर क्या होगा, तो पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पावर हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, पावर इक्वल्स क्या हो गया, तो पावर इक्वल्स अब यहाँ पावर हम निकालते हैं, यहाँ फोर्स निकालें अब पावर निकालें, पावर कंजम्पशन, पावर कंज्यूम्ड, तो पावर कंज्यूम्ड अब क्या होगा, देखिए पावर में क्या होता है एफ डॉट वी, एफ वी, अब एफ एंड वी की बात है यहाँ, तो एफ एंड वी की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ हम जो लेंगे तो एफ का पता है हमको, है ना एफ हमको पता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और फिर यहाँ वी हो गया, ठीक है वी हो गया, हो गया और वी हो गया, हम यहाँ पर लिख देंगे ये क्या हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। तो ये P इक्वल्स यहाँ हो गया आपको, देखिए पावर कंज्यूम जो होगा इसका। हाँ यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज को मैं क्लियर कर दूँ, P इक्वल्स F डॉट V जो हुआ था इसको F डॉट V, अब देखिए F डॉट V को हम लिखें F V cos cos थीटा, ये cos मान लीजिए F और V के बीच एंगल जो है cos मान लीजिए कि अल्फा हो गया, अब अल्फा क्या होगा तो एफ और बी के बीच का एंगल हम निकालें, तो फोर्स किधर लग रहा है बी किधर लग रहा है, दोनों के बीच यदि हम देखेंगे तो देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट है तो यहाँ पर हम कॉस को हम ले सकते हैं, दोनों बैलेंस कर रहा है दोनों, तो 180 होगा, तो एफ भी कॉस 180 हो जाएगा, और ये हो गया माइनस एफ भी, तो यहाँ पर ये जो होगा माइनस हो जाएगा, और माइनस चूंकि पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है इसलिए माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, खाली यही था कि यहाँ पर 90 होता तो जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ जीरो हो या 180 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ये पी जो होगा वह मैग्नीट्यूड होगा दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर होगा, तो दिस इज पावर, क्लियर है। तो ये आपका हो गया कि एरिया के चेंज करने पर कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसलिए यहाँ पर भी देखिए मोशन से हुआ तो मोशनल ईएमएफ,
वहाँ करेंट से हो रहा था तो वहाँ भी मोशनल ईएमएफ। अब फिर देखिएगा थीटा के ओरिएंटेशन से होगा कि है ना, अब ओरिएंटेशन से अगला वीडियो उसमें होगा, तो आप लोग आराम कीजिए।